हमार औरत मर गई बाढ़ बाढ़ में मर गई लोग हम क्या कहिला पानी आई दुनिया भर के पानी आई दो के किनारे लग गई नहीं जा कहीं थाने वाला ना रहे हमने के ना बांध बनाता ना कुछ होता ना करते कहीं यहाँ से बांध बना जाए स्कूल बन जाए सड़क बन जाए तो हम गुजारा हो जाए तब माटी का बालू पीट डालवा यहाँ तुम्हें क्या समस्या आपकी हमने के समस्या सरकार समुचा खेती कट गई घर रल पर आदमी रहेंगे तो पर घर रल घर कट गई अभी अब भोजन लेके हमने की तकलीफ बा यहाँ से वहाँ सब कट गई है कान्ही पर होने उज्जा से घर कटल बा करना बता खेत कैसे कट कटल खेत कैसे कट गया गंगा जी से कट गया बाढ़ आने से कट गया बाढ़ से कट गया इस बाढ़ में कितने लोगों के घर तबाह हो गए बहुत बहुत यहाँ जो है नीमन गाँव रहा है यहाँ संभाले सब लोग तबाह हुआ सब लोग करीब कितने लोगों का घर इसमें तबाह हुआ कितने लोग खेत बर्बाद हुए हैं कितना लोग थे सब कितने लोग का घर था नहीं जा लमसम 22 घर रहा 22 घर 20-25 घर जब खेत तबाह हुआ तो उसमें कोई जनप्रतिनिधि कहीं से आप लोग कैसे काम उसमें रोजी रोजगार कैसे चलाते थे आप लोग कुछ नहीं कोनो रोजी रोटी नहीं है देखो तो सरकार की ऐसे दिखाई रहा दोहतर हमनी के नाम मिले हुआ टोला अजड़ी पर होने सब कोई पा गई हमनी के एगो छाट नहीं मिले सर समस्या हमनी के सारा खेती बाड़ी दो गई गांव कट गई नदी भाठी मार दल यहाँ काम भी नहीं खे लागत हमनी के नेपाल से भैंसा लूट से फेरियारी से काम आ के ले आओ तो कहीं एक बेरा खाते या दूसर का बेरा ताकत आई जा साग सब्जी मिलते नहीं खे महंगी के चलते हमने के चटनी भात खाते जा हमने के चाहते हैं जो नीतीश सरकार जीती हमने के बांधा बनवा दी ठोकर लगवा दी हमने के सब आदमी तैयारी बन जा पहले हमने के ठोकर लाग जा बांधा बना जा हमने के सर नीतीश सरकार के वोट देव जा मोदी के वोट देव जा बाढ़ बचाव के लिए क्या सरकार करनी चाहिए सरकार बाढ़ बचाने के लिए हमने के चाहे ठोकर अब बांधा हमने के जरूरी बा सरकार पहले हमने के पहले ठोकर बांधा लाग जाये हॉस्पिटल बन जाए राहता बन जाए हमने के इतने चाहिए हमने के सर मोदी के सरकार के और नीतीश सरकार के वोट दिया इसमें नीतीश और तेजस्वी की लड़ाई चल रही है इसमें आप किसको वोट देना चाहते हैं हम लोग चाहते हैं सरकार नीतीश सरकार के वोट देने के लिए तेजस्वी क्यों नहीं हमने के नीतीश सरकार बहुत काम कैले वाली हमने के ये बाकी बा हमने के काम करा दी ठोकर और बांधा हमने के वोट उन्हें के दिया नीतीश सरकार 15 साल रही अपना कार्यभार संभाला उसमें सरकार ने क्या की आपको क्या सुविधा हमने के लगे तो कुछ सुविधा ना मिले सब बाकी हमने के चाहते हैं जर हमने के सुविधा दे दी नीतीश सरकार को वोट दिया तेजस्वी नहीं देंगे वो चीज वादे नहीं करेंगे वादे क्यों पूरे नहीं करेंगे जी आधा पूरा कर वो करेगा वोट दिया कोई जनप्रतिनिधि इस गांव में आते नहीं आते हैं कोई नहीं आता है यहाँ पे रिंकू सिंह है वाल्मीकि नगर क्षेत्र के विधायक कभी बाढ़ में यहाँ पे मतलब कि कभी देखने भी नहीं आए हैं कि आदमी कैसे है कैसे नहीं है इसमें चुनाव की सरगर्मी चल रही है क्या लगता है कि सरकार किसकी बनेगी अब सरकार को तो नीतीश कुमार को तो बदलना है तेजस्वी यादव लाएंगे वो बोले हैं कि 9 लाख युवक को हम नौकरी देंगे उस पे नीतीश कुमार भी बोले हैं कि हम 19 लाख युवक को हम नौकरी देंगे लेकिन उनके बात पे कोई भरोसा नहीं है क्योंकि अभी तक जितने भी बाढ़ से पीड़ित हुए हैं किसी को कोई मदद नहीं मिला है इस बार चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए इस बार चुनावी मुद्दे क्या होनी चाहिए तो कितना नुकसान हुआ आपका इस बाढ़ से इसमें सर 200 क्विंटल गन्ना होता है लमसम 50,000 का इसमें मेरा 12,000 का खर्च भी लगा है यही 250 का गन्ना है इसको क्या करेंगे अब इसको ले जाके खेत को साफ कर रहे हैं इसमें तोरी रोपेंगे तो खेत को साफ करके जो है कि 250 का होगा क्रशर में दे देंगे इसको फिर जुतवा के जो है कि तोरी रोपेंगे तो अब जो हो ये बाढ़ हर साल आता है कि यही साल आया है हर साल आता है लेकिन इतना नहीं आता है ये साल बहुत ज्यादा आया है इतना मतलब कि दिक्कत कभी नहीं हुआ था जो कि इस साल हुआ है आप लोग का पालन पोषण कैसे होता है मान लीजिए कि अब जब इसका नुकसान हो गया कैसे आप लोग इसका मेंटेन कैसे करते हैं आप लोग अब मेंटेन करेंगे मजदूरी करेंगे कमाएंगे अब वैसे ही कर्जी लेके किसी से पैसा ब्याज पे लेके अपना खेती बाड़ी करेंगे उसको कमा कमा के सदाएंगे फसल नुकसान हो जाओ अब देखना ये कि बिहार के सीमावर्ती जो विधानसभा है
वाल्मीकि नगर के चनकटवा के लोग किसको वोट देते हैं, किसका पल्ला भारी होता है, जिसका किस तेजस्वी का, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। डायनामाइट न्यूज से सोम खरवार।